हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो आपकी दाढ़ी है, जो आपकी बियर्ड है, उसको किस तरीके से काटा जाता है, सबसे अच्छा तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और किससे कैसे काटते हैं, और किससे कैसे काटते हैं जब आपके दाढ़ी के बाल अलग या पतले, मोटे या घने, सीधे होते रहते हैं, तो आज आपको इस वीडियो में सब कुछ ए टू जेड समझाने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें अगर आपको इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो तो। बियर्ड के बालों को कैसे काटा जाता है, नंबर वन, आप अगर ट्रिमर लेके आते हो, ट्रिमर से आपने बियर्ड अगर काटते हो, तो उससे कैसे बाल काटते हैं और उससे कैसे बाल होते हैं बाद में। देखो, जब आप ट्रिमर से हेयर कट करते हो, बियर्ड के बाल काटते हो, तो ट्रिमर से जब भी कोई बाल काटता है तो वो बहुत ही दिन बाद, यानी बहुत ही देर से बाल उगते हैं। उनका रीज़न ये होता है कि वो ट्रिमर चार पांच जगह से आपके बाल काट देता है, उसमें जो मशीन लगी रहती है ना, वो चार पांच जगह से आपको आपके बालों को काट देती है, जिससे आपके जो हेयर है वो बहुत ही देर, मतलब बहुत ही दिन बाद आपके हेयर उगना स्टार्ट होते हैं। फिर अब आपको कैंची से हेयर कट करते हैं या फिर आप कैंची से हेयर कट कराते हो, तो फिर आपको कैंची से हेयर कट जब होता है तो कैंची से एक ही जगह से कट जाता है। एक ही जगह से कटने के बाद जब आपके हेयर उगते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसमें इसलिए टाइम लगता है ताकि वो बीच में से कट जाता है। जैसे कि आपने ट्रिमर से अगर काटा हो तो उस ट्रिमर से जल्दी आप जो कैंची से बाल काटते हो तो उतने जल्दी उससे आ जाते हैं। लेकिन जब आप शेविंग करते हो तो शेविंग का एक सबसे अच्छा रीज़न ये होता है, शेविंग आपकी स्किन की जड़ से ही बाल काट देता है, जिससे कि आपके बाल बहुत ही जल्दी उगते हैं, यानी बहुत ही जल्दी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको लेट आपकी दाढ़ी उगाना है, या आपकी दाढ़ी है आपको लेट उगाना है, तो आप ट्रिमर का यूज़ करें। और अगर आपको मीडियम बियर्ड रखना है, दाढ़ी रखना है, तो आप उसमें कैंची का यूज़ करें। और अगर आपको बहुत ही जल्दी आपकी बियर्ड या दाढ़ी को लेके आना है, तो उसके लिए आप शेविंग करें, हफ्ते में दो बार करें। एक महीने में जब आप शेविंग हफ्ते में दो बार करोगे, यानी चार हफ्ते, तो आठ बार शेविंग करोगे। इसके बाद आप फिर देखोगे आपकी जो बियर्ड है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगी, और बहुत ही तेज़ी से ये ग्रोथ करती है। तो आज मैंने आपको सब कुछ समझाया कि आपको किस तरीके से आपके बियर्ड के बाल काटना चाहिए। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। सी यू अगेन।